ग्राम पंचायत खैरा स्थित शासकीय हाई स्कूल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शिविर लगाया गया है। टीकाकरण केंद्र में पहले दिन शून्य तो दूसरे दिन 30 लोगों ने टीका लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया। वहीं पुरुष की अपेक्षा महिलाएं टीका लगवाने आगे रहीं। अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए ग्राम को संक्रमण मुक्त बनाने में सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। 45 वर्ष के लोगों को टीका लगाने के बाद 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीणों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने ग्राम पंचायत खैरा में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जहां तेज धूप और उमस के बाद भी ग्रामीण युवती एवं महिलाएं समूह में एकत्रित होकर केंद्र में टीका लगवाने पहुंचती रहीं। संक्रमण से बचाव के प्रति अपनी समझदारी का परिचय देने महिलाएं आगे बढ़ते हुए नजर आईं, तो वहीं नौजवान पुरुष अपने अपने घरों में दुबके रहे। 3:30 बजे का वक्त गुजरने तक 36 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जिसमें से 30 ग्रामीणों को टीका लग गया था। निर्धारित समय 5 बजे तक 50 लोगों का टीकाकरण होने की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन अचानक हुई बारिश के बीच ग्रामीणों का केंद्र पर पहुंचना बंद हो गया। आपको बता दें कि ग्राम के शिक्षित युवा ग्राम पंचायत चपोरा सेमरा में लोगों में जागरूकता लाने स्वयं के साथ आने युवकों को साथ ले जाकर टीका लगवा रहे थे, ताकि लोगों में जागरूकता करें और वे स्वयं से टीका लगवाने केंद्र तक पहुंचे। लगातार जन जागरूकता के बाद भी कई केंद्रों में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य धीमी रफ्तार से चल रही है। कुछ ग्राम पंचायतों में लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।